रेलवे से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उनकी बात करेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि ऐसे ही सवाल जीके के रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? तो भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई उत्तरी रेलवे की है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस, जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों सन 1905 में की गई थी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ब्रांड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 1.676 मीटर, यही है आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो रेलगाड़ी सबसे पहले चली थी उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 64 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, यही इसका सही आंसर है। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों सन 1950 में, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो डेक्कन क्वीन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन डेक्कन क्वीन चली थी। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन रेखा एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1991 में आरंभ हुई। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है दोस्तों गोरखपुर जंक्शन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है और गोरखपुर जंक्शन सबसे बड़ा जंक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाब बैनिहाल रेलवे सुरंग। यह एक 11,215 किलोमीटर मतलब 7 मील लंबी रेलवे सुरंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो भारत का एक राज्य ऐसा है दोस्तों जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, उसका आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है दोस्तों? राष्ट्र की जीवन रेखा, यही भारतीय रेल का स्लोगन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में मतलब जोन में बांटी गई है? तो 17 जोन में बांटी गई है भारतीय रेल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व में प्रथम रेल 1825 ईस्वी में चली थी इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, ट्रेन के इंजन में कितने गियर होते हैं? तो ट्रेन के इंजन में 32 गियर होते हैं दोस्तों। ट्रेन का कोई सा भी इंजन हो, सभी में क्या होता है? 32 गियर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? यदि आपको नहीं पता है कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है, तो रेल इंजन के आविष्कारक हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, इन्होंने ही रेल इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? भारतीय रेल का व्हील एंड एक्सल प्लांट दोस्तों बेंगलोर में है, यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो भारत में रेल मार्ग की लंबाई दोस्तों 63,974 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, यही भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।